गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स टूडे वी कॉन्टिन्यू पॉइंट नंबर फोर दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी तो हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट टू पॉइंट्स फर्स्ट टू स्टेप्स फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए फोर स्टेप्स होते हैं प्रमोशन सेकेंड स्टेज इनकॉपरेशन एंड थर्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड फोर्थ इज कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस तो हमने लास्ट लेक्चर में टू स्टेजेस को डिस्कस किया था प्रमोशन एंड इनकॉपरेशन आज हम इसकी थर्ड स्टेज डिस्कस करेंगे दैट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन इज तो स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेज आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉपरेशन जब एक ऑर्गेनाइजेशन को कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है बनाने का कॉपरेशन का देन द प्राइवेट कंपनी गेट फॉर्मुलेटेड एंड कैन कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटीज़ तब इन कॉपरेशन सेकेंड स्टेज के बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर कंपनी प्राइवेट है तो ओके okay? अगर पब्लिक पब्लिक मीन्स अगर गवर्नमेंट कंपनी है अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसको थर्ड स्टेज को फॉलो करना पड़ेगा थर्ड स्टेज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट उसको लेना पड़ेगा ओके okay, तो स्टार्ट करते हैं कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट कैसे मिलता है द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आर फर्स्ट वन इज अप्रूवल ऑफ सेबी तो कमेंसमेंट के लिए एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ती है सेबी बी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो पब्लिक कंपनी के लिए हमें एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ती है सेबी है क्या सीबी एक रेगुलेटरी बॉडी है विच कंट्रोल द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया जो भी स्ट्रॉक है शेयर मार्केट है कैपिटल मार्केट है उस सभी को कंट्रोल कौन करता है सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स जो भी पैसा पर्सन अपना इन्वेस्ट करता है उसकी सिक्योरिटी के लिए उसकी सेफ्टी के लिए से बी को बनाया गया दब्लिक लिमिटेड कंपनीज मस्ट सबमिट ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन विद द से बी विफोर इशूइंग इट्स सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्किट में शो करने से पहले एक पब्लिक कंपनी को सारी इन्फॉर्मेशन सेबी को देनी पड़ती है सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है वो उसको सेबी को देनी पड़ेगी रिवील करनी पड़ेगी ओके okay, अगर वो कंपनी पब्लिक कंपनी सेबी को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देती तो वो कंपनी बंद भी हो सकती है और कैंसिल भी खत्म की जा सकती है ओके कंपनीज शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम सेबी आल्सो देर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ओके गाइडलाइंस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 के अंडर उस कंपनी को कैंसिल भी उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है तो फर्स्ट पॉइंट कैसे होती है कमेंसमेंट से बी की अप्रूवल लेनी पड़ती है सेकेंड इज प्रोस्पेक्ट्स प्रोस्पेक्ट्स हर कंपनी को हर पब्लिक कंपनी को अपना प्रोस्पेक्ट जारी करना पड़ता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कितने का शेयर है कौन कौन से मेंबर है कब शुरू की है कब लास्ट है एवरीथिंग अब पब्लिक कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कार्ड प्रोस्पेक्ट्स। इट इज़ सर्कुलर और इन्विटेशन इशू टू इन्वाइट द जनरल पब्लिक जिसको इन पब्लिक में इश्यू किया जाता है दिस डॉक्यूमेंट हैज़ टू डिपोजिटेड विद द रजिस्ट्रार तो कंपनी को ओपन करने से पहले अपना प्रोस्पेक्ट रजिस्ट्रार को पहुँचाना पड़ता है ताकि वो चेकिंग सारी कर सके दैन थर्ड पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स ब्रोकर एंड अंटरराइटर्स एक कंपनी बैंकर्स ब्रोकर और अंडर को अपॉइंट करती है टू रिसीव एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी बैंकर्स आर अपॉइंटेड सारी मनी को रिसीव करने के लिए जो पब्लिक शेयर परचेज करते हैं उनकी मनी को रिसीव करने के लिए एक कंपनी बैंकर को अपॉइंट करती है टू सेल द शेयर ब्रोकरस आर अपॉइंटेड अब जो बायर है और सेलर है उन दोनों के बीच वर्क कौन करता है ब्रोकर तो उन दोनों की ट्रांजेक्शन करवाने के लिए डील करवाने के लिए ब्रोकर को अपॉइंट किया जाता है एंड दे इनकरेज पब्लिक टू बाय द शेयर्स जो लोगों को उत्साहते हैं कि हाँ बाय करो इस कंपनी के शेयर आप परचेज करो इफ द कंपनी इज़ नोट शेयर ऑफ सेलिंग द होल लोट ऑफ शेयर्स इट मे अपॉइंट अंडर अगर उसको लगता है अगर इफ़ द कंपनी इज नॉट शेयर ऑफ सेलिंग द होल अगर उसको लगता है कि मैं सारे शेयर सेल नहीं कर पाऊँगा श्योर नहीं है उसके पास हंड्रेड शेयर है उसको लगता है कि मैं हंड्रेड के हंड्रेड सेल नहीं कर पाऊँगा तो उस कंपनी उस केस में वो कंपनी उस केस में अंडर राइटर को अपॉइंट करती है अंडर राइट क्या क्या करता है कमीशन चार्ज करता है मतलब तो डील करवा देता है सारे शेयर्स को सेल करवा देता है और उसका कमीशन खुद ले लेता है थर्ड इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट सेट की जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी ने हंड्रेड शेयर्स इशू कर दिए कि हंड्रेड शेयर वो बेचना चाहती है बट मिनिमम वो कितने एक टाइम में एप्लीकेशन मंगवा सकती है तो वो होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नाइन हंड्रेड में से आप लगा लो कि नाइनटी शेयर्स वो सब्सक्राइब मिनिमम कम से कम कर सकती है एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फिर उसके बाद उसको स्टॉक एक्सचेंज में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है देन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स उसके बाद शेयर्स की अलॉटमेंट की जाती है नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से बी के अप्रूवल लेने के बाद प्रोस्पेक्ट जारी करने के बाद ओके तो फिर क्या होता है कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस आता है आफ्टर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज जब एक कंपनी ने सिक्योरिटीज सब्सक्राइब कर दी रिसिविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितनी उसको चाहिए उतनी वो आ भी गई हंड्रेड में से अगर उसको चाहिए थी मिनिमम कम से कम नाइन्टी शेयर्स की सब्सक्रिप्शन तो वो भी उसके पास आ गई देन द कंपनी अप्लाइज टू रजिस्ट्रार टू इश्यू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तब उसके बाद रजिस्ट्रार को वो बेनती करती है रिक्वेस्ट करती है कि हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आप दे दो फिर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ए कंपनी मस्ट फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स तो उसको ये डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ते हैं और ये नोट वो स्पेसिमेन लिख के देती है आई हैव सर्टिफाई दैट लिमिटेड ऑफ विच जो भी कंपनी का नेम है विच वॉज इनकॉपरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ऑन द डेट दिस सारी इंफॉर्मेशन लिख के वो किसको दे देते हैं रजिस्ट्रार को ताकि कंपनीज उस कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की अप्रूवल मिल जाए ओके तो ये है रजे आपके फोर स्टेप्स फोर स्टेजिज़ फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट स्टोर कंपनी तो आज आपने ये फोर के फोर टॉपिक्स रीड करनी है ओके थैंक यू